एक बुल का केस आया था हमारे पास, उसका पीछे वाला पैर वो लगा नहीं रहा जमीन से ना, मोस्टली तो हमें हील फ्रैक्चर लग रहा है। इसके पैर ऐसे लग रहा है फ्रैक्चर हो गया, और रात को काफी चिल्लाता है ये हमारे घर के पास का। ये तो बड़े प्यार से आ गया पकड़ में। ठीक ही है ये, इसका फ्रैक्चर हील रहा है, टांग कभी कभी लगाएगा नीचे। तो हम इसको रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं, इसको जरी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही रहेगी टांग अभी ना। अरे लगी तो रे चाइल्ड भाई, ये उसके सींग से लग गई थोड़ी सी। अरे तो सींग में, सींग आपके अंगूठे में लगा है? नहीं मैंने पकड़ा, उसने ऐसे झटका मारा ना, एक सेकंड हाथ लगा। तो सर टूट गया क्या? नहीं नहीं, दर्द हो रही है बड़ी गंदी। बच गया तू ना, इसमें लगी तो खाली मांस में लगी है, बच गया। अरे जैसे हमें डाउट था ना कि हील फ्रैक्चर है, हील फ्रैक्चर ही निकला, लेकिन जब उसको पकड़ते वक्त में ना साहिल को इंजरी हुई है। तेरा तो ये हाथ भी सूजा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं ये ठीक है, ये सूजा जा रहा है। तो इसका अभी सूजा चल रहा है अंगूठा? हाँ हिल तो रहा है पर दर्द हो रही है बड़ी जल्दी। इमीडिएटली चला जाओ शाहपुर। नहीं आज 26 जनवरी है ना, तो मेडिकल तो खुला ही होता है आज, बंद हो 26 जनवरी बंद होता है। एक्सीडेंट ही होगा जी, मैं इसको रजोल में दिखा दूंगा ना फिलहाल, आज कल एक्सरे करा दूंगा। हिंदी में बात क्या करो, ब्लॉग में लोगों को समझ नहीं आता। अखे बखे सुबह इसकी आंखें सूजी थी अंगूर की, अब बेटर है सर। इसका ना एक्चुअली सर्दी लगी है, चेस्ट कंजेशन था। ये कैसे पता लगा? क्योंकि नाक बह रही थी। अच्छा। ना टेम्परेचर लो था, ये तो ओटी में ही था ना रात को, जहाँ हीटर चल रहा था, हीटर चल रहा था और सब कुछ, स्वेटर पहना हुआ था। लेकिन क्या हुआ ना, इसने यूरिन ऐसे बैठे बैठे ही कर दिया और उसकी जो स्वेटर थी ना वो गीली थी। हो गया। तो लेकिन अभी बहुत बेटर है, आँखें भी देखो नॉर्मल हो गई है, नाक भी बंद हो गई बहनी, सुबह सिरप पिला दिया था। इसके एक भाई सूचर हील हो जाते हैं, हाँ। सॉरी मतलब घाव हील हो जाता है, सूचर निकल जाते हैं, तो इसको तो हम यहीं रिलीज करेंगे फिर, इसकी इच्छा है इसने हाँ। यहीं रहना है, अगर कोई इसको ट्रूप मिल जाता है और लंगूरों का तो यही की ना, ऊपर धनोटो के जो ऊपर वाला साइड है ना, ऊपरेला धनोटो वहीं की है, तो ये इजीली शायद चली भी जाए अपने एरिया। ये अच्छा किया ये डॉक्टर, नाइस गुड जुगाड़ है सर। तो आपका क्या सोच है इसके पीछे? सर ये जैसे घिस रही है ना पीछे वाले पैरों में, तो डर्ट वगैरह भी चल रहा है अंदर ही अंदर, मतलब पैर को चलाने की कोशिश भी कर रही है, तो मूवमेंट आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये रिकवर करने का कब तक पता लगेगा इसका? टेल की मूवमेंट शुरू कर रही है आज, थोड़ी बहुत टेल उठाने उठा रही थी। ये कल ही आई है ना? शुरू कर रहा है हाँ। इसको अभी रेस्क्यू करके लेकर आए हैं हम इच्ची से, इसका शायद एक्सीडेंट हुआ है और इसके पीछे के पैर काम नहीं कर रहे हैं। अभी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा कि इंजरी कहाँ कहाँ पर है। इसका स्पाइनल इशू है, इसका क्रैकलिंग साउंड आ रही है, मे बी डिसलोकेशन हो सकता है, और स्पाइन इसकी टेढ़ी भी है थोड़ी सी, ऊपर से वॉर्म लोड भी है, फ्लैट वॉर्म है इसमें। टेम्परेचर कितना डाउन है इसका? 93 है इसका। इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, अब पीछे अभी उसको शिफ्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, ऊपर से है तो वो फैल सकते हैं दूसरे आने में इसको ना। कैनल खाली नहीं है, केज में केज है, उसके लायक बड़ा हो जाएगा केज, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसको अंदर ही रखना पड़ेगा फिर, वो भी ओटी वाले एरिया में, ओटी या क्लिनिक में। ओटी में अभी और किसी को रखा? दो पपी है, एक कैट है, एक मंकी है। ठीक है फिर रिजॉल्व कर यही करो, जिससे मेरा से बैल आया था वो नहीं रहा ना सर कल। उसका तो मुश्किल से चांसेस पर हुआ क्या उसको? तो टेम्परेचर ड्रॉप और ऊपर से वो सीवियर डिहाइड्रेशन था जब वो हमारे पास आया था ना, तो इसीलिए उसकी फ्लूइड थेरेपी भी चल रही थी। उसकी वजह से भी अगर नेक टूटी, पेन मैनेजमेंट ही कर रहे थे अपनी तरफ से, कोशिश ही कर रहे थे। अगर हम लोग स्प्लिंट भी करते ना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस भी मतलब हमारा तो नहीं है ऑनेस्टली। नेक का कहां से? दानू नहीं, वो हमने फोन किया था, वो मिल नहीं रहा है, तो जब मिलेगा तो मैंने उनको बोला आप मुझे तभी कॉल कर दीजिए। करा था फोन? पक्का है ना? पक्का कसम खाओ। ये चल नहीं रहा था अब तक, माया जाल है ना जिसको मैं बताई थी, फ्रंट लेग में सूजन था, फिर उस दिन जो हमने वो किया पीछे वाले हिस्से में एक कट लगाया, पस इकट्ठा था पीछे, ये देखो निकला, निकला बस। बच्चा तेरे लिए कर रहे हैं हम ये,
इसका जो सामने पैर का घाव था, जब हम इसे लाए थे हमें लगा था बहुत छोटा सा घाव है, लेकिन ये डायग्नोसिस के बाद पता चला कि बहुत डीप है। काफ़ी टाइम से इसकी एंटीबायोटिक्स चल रही थी, लेकिन जो पैर में दर्द है और सूजन है वो कम नहीं हो रहा था। तो अभी पीछे के हिस्से में थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू फील हुई है, और जिसको ड्रेन करने के लिए सर वहाँ पर एक कट लगा रहे हैं। फ्लश करता जाओ, साथ में प्रेशर भी लगाता है ताकि जो भी जमी हुई है निकलती जाए। ये मतलब चल ही नहीं रहा था, अभी तो खुला डोल रहा है ना, ये पहले तो बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब घूम रहा है, आगे रेड रहा है। कम हो गई सर। गुड। ये किसका आइडिया था कि पीछे हम कट लगा देते हैं? कल मुझे आपका वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगा जो बॉक्स वाला था। आई एम श्योर वो और भी बहुत लोगों को वो करेगा इंस्पायर, और हमें और भी बहुत कुत्ते दिखेंगे जिनके पीछे वाले पैर डब्बे में होंगे अगर वो चल नहीं पा रहे तो। आई डोंट नो, घर में शरारती कुत्ता हो उसके। ये रात भर जहाँ सोती है वहीं पे ही गंदा कर दिया, वहीं पे गंदा कर दिया। ये देखो फ्री कॉफी बीन्स। ये ज्यादा नहीं कर रहे कुछ? तीन है, तीनों में मिला के। लोग इतने गंदे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक कॉफी आती है कॉफी लुवाक करके, क्योंकि ना कोई एक मेरे को नहीं पता कौन सा जानवर है वो कॉफी बीन्स खा लेता है, फिर वो उसके अंदर हल्की सी डाइजेस्ट हो जाती हैं, फिर वो पूप में बाहर निकलती हैं। इन बीन्स को इकट्ठा करके बेचा जाता है, ये महंगी कॉफ़ी है, लोग इसके पैसे देते हैं। और इसके लिए क्या है, वो जो बेचारा जानवर है उसको, जैसे हमारे यहाँ मुर्गियों को दड़बे में रखते हैं, अब वो हजारों लाखों जानवर अब दड़बों में हैं, उनको कॉफ़ी बीन खिलाते हैं, उनकी पूप इकट्ठी करते हैं और बेचते हैं। आदमी बड़ा गिर गया है पंजाब में। पंजाब में पता क्या कर रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं उसको, श्रिम्प, झिंगुर कहते हैं मेरे ख्याल से, झिंगुर कहते हैं, झींगा मछली कहते हैं, जो भी कहते हैं, श्रिम्प की पंजाब में, क्योंकि लैंड का उन्होंने सत्यानाश कर मारा है, काफ़ी जगह चीज़ें उग नहीं रही हैं, तो अब वो श्रिम्प उगा रहे हैं। और उसका पता है, उसके अंडे नहीं कहते, कहते हैं श्रिम्प का बीज हमने डाल दिया है। सर वो पहले वाला जानवर कौन सा है जिसकी कॉफ़ी बीन्स बेचते हैं? तुम पीने का सोच रहे हो क्या? अरे नहीं सर, मैं तो देख रहा हूँ कौन लोग पीते हैं। इतनी गंदी। अमीरों के चोचले हैं ये। साहिल अपना हाथ तो दिखा दे। साहिल इंजर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये अच्छा फ्रैक्चर नहीं है, मसल टियर टाइप है ना। नमस्ते आंटी जी, यहाँ पर है आपकी बिल्ली। ठीक हुई है कुछ? आप देखो अब आपको कैसी लग रही है बिल्ली, नहीं बिल्ला। हम सोच रहे हैं ना कि आज आप ले जाते इसको, क्योंकि अब तो ये आपको हाथ भी लगाने देगी और ट्राई भी लगाने देगी, देखो भला। नहीं कोई नहीं है, मैं ले जाऊंगी ना, पर मैं लेकर कैसे जाऊंगी? हाँ छुड़वा देंगे। थोड़ा सा ऐसे चालाकी से इसको खाना वाना डाले, खा रही है तो सहलाते सहलाते धीरे से ऑइंटमेंट लगा दो। कोई नहीं, दिन में 2-3 बार ऐसे लगाना है बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखो कमीने मेरी चॉकलेट ले गया तू। तो अभी हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन राधा जी जा रही है स्कूटी में। बिल्ली आती है तो वैसे गोद में लो। आई मेरी बिल्लो, बाय देवी। दो में याद शरीर ही छोड़ दिया अपना। हाँ मैंने कोई बच्चा थोड़ा सा ही तो सुबह से टेम्परेचर एकदम से लो हो गया था बहुत ज़्यादा, जबकि रात भर हम रेडिएटर लगा के रखते हैं, ब्लैंकेट्स रहते हैं, स्वेटर पहना रखी थी, 2-3 थर्मामीटर से ट्राई किया, आ ही नहीं रहा था टेम्परेचर। थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आ रहा था? हाँ बहुत ज़्यादा लो होने के कारण ऐसा होता है। सुबह भी ट्रीटमेंट दी थी इसको, लेकिन अब फ्लूइड थेरेपी कर रहे हैं इसकी। कुछ नहीं होगा इसको बच्चे। आ गया मेरा बेटू। वो लगाना गा रहा वो मेरे को ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ। अच्छा आ गई एनर्जी सारे ड्रामे कर रही थी भागने के। तो तूने क्या सोचा कि तुझे बिक्की मिल जाएगा और उसके साथ तू डेट पे चल जाएगी? कभी भी नहीं, हम तुझे डेट पे क्या गेट पे नहीं जाने दे। ओए बंगड़ा होए बंगड़ा, मैं गुटकी चली टंग टंग टंग, मारेगा मैं बता रहा हूँ।